अर्थ का जो क्रस्ट है ना, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर डीप है। सी लेवल से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे हम लोग, और दुनिया की सबसे गर्म प्लेस। ये इतना ज्यादा गर्म हो सकता है कि जो आपकी उंगली है ना पूरी पिघल के इसके अंदर ही चली जाएगी। 12-13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे तो जिंदा रह जाते हैं और काफी लड़कियों की ना मौत हो जाती है। कल रात को ये बहुत ज्यादा लाइट कर रहा था, बहुत ज्यादा जल रहा था। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आपने कल देखा था कि हमने दानाकिल डिप्रेशन की ट्रिप स्टार्ट कर दी थी और भाई बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप्स देखने को मिले कल। वो सॉल्ट माइनिंग देखने को मिली, सॉल्ट वाली खूबसूरत लेक देखने को मिली, पूरी व्हाइट थी भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई जैसे कि स्नो है। तो बहुत मजा आया कल। और आज जो है ना इस जर्नी का दूसरा दिन है और आज भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह देखने वाले हैं, जिनमें कि एक वोल्केनो देखेंगे, एक कलरफुल स्प्रिंग देखेंगे जो कि पृथ्वी के अंदर जो इरप्शंस होते हैं ना उनकी वजह से क्रिएट हुआ है। दानाकिल डिप्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और क्योंकि इस जगह पे ना साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स में लाइफ कैसी दिखती होगी। भाई ये वही जगह है जहाँ पे ह्यूमंस का सबसे पुराना स्केलेटन डिस्कवर हुआ था। आज भी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। अंदर वो नाश्ता वास्ता करने के लिए टेबल लगी हुई है और बाकी भाई ये एक विलेज है छोटा सा अफार डेजर्ट में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेड्स हैं, इसमें हम लोग सोए थे। इसमें ना इन्होंने एक तरीके से स्लीपिंग मैट्रेस लगा दी थी तो लेट के हम लोग आराम से सो गए थे भाई। और रात के टाइम पे ना हवा काफी अच्छी चल रही थी और मच्छर वच्छर नहीं थे तो मौसम भी ठीक था, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन अभी जो सुबह का टाइम है ना बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी ये ट्रिप लेने वाले आते हैं ना वो सारे लोग ना इन्हें पैसे देते हैं, गाँव वालों को। हर एक बंदे का पर बंदे का पैसा जाता है, पार्किंग की फीस जाती है भाई। गांव वालों की इकोनॉमी ना ऐसे चल रही है यार टूरिस्ट की वजह से। यहाँ पे ज्यादा कोई काम है नहीं, यहाँ पे ज्यादातर जो काम हो रहा है ना वो केवल सॉल्ट माइनिंग से पैसा आ रहा है या फिर कैमल वगैरह चला के उसका दूध वूध बेच के, मतलब बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग है यहाँ पे। और ये हमारी गाड़ियां है भाई, ये रेडी हो चुकी हैं और पीछे हमारा ग्रुप है। मेरे ख्याल से 10-12 लोग हैं यहाँ पे जो हम लोग जाने वाले हैं इसमें। तो अभी हम निकलेंगे, नाश्ता वाश्ता कर लिया, नाश्ता भी बढ़िया था, पीनट बटर वगैरह था और हनी वगैरह था, सैंडविच था। आज का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकंड डे इन दानाकिल डिप्रेशन, दुनिया की सबसे गर्म जगह और दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक। नेट जियो ने इसको ना सबसे ज्यादा हॉस्टाइल जगहों में से एक माना है दुनिया की। हम लोगों ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया, आप देखो यार कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि पूरी रात स्नोफॉल हुआ है, लेकिन भाई ये पूरा नमक है यार। अंदर एकदम हवा चल रही है एकदम एसी की और बाहर ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे स्नोफॉल के मौसम में हम लोग कहीं ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ऐसा फील कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आप दुनिया की सबसे गर्म जगह पे हो। सुबह सुबह 7 बजे जो हम लोग निकल रहे थे ना तभी टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। 40,000 साल पहले कुछ यहाँ पे एक फ्लड आया था रेड सी से, उससे क्या हुआ कि वो समुद्र का पानी ना इधर पूरे इलाके में भर गया, उसकी वजह से ये जो है ना साल्ट लेक क्रिएट हुई है यहाँ पे। इथोपिया के अंदर ना आपको पता है लैंडलॉक कंट्री है ये, तो यहाँ पे जो है ना नमक वगैरह है ना वो इसी लेक से आता है। ये सारा जो है ना कलरफुल सा लैंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये दलोल का क्रिएटर है। यहाँ पे क्या हुआ था, 1926 में ना एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसकी वजह से ना जमीन के अंदर जो अलग अलग तरीके के ना मिनरल्स थे, पोटेशियम सोडियम सल्फर वगैरह, जब वो इरप्शन हुआ ना तो जितने भी मिनरल्स थे जमीन के नीचे से निकल के ये पूरे लैंड पे आ गए। तो जो लैंड पे पूरे एरिया में आप अलग अलग तरीके के कलर देख रहे हो ना केवल उसी वजह से है यहाँ पे। तो अलग अलग मिनरल्स ने ना अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस किए हैं इस पूरे इलाके में। और इस समय जो है ना हम सी लेवल से लगभग 125 मीटर की गहराई में है। ये सफेद कलर देख सकते हो आप, येलो कलर देख सकते हो, ब्राउन देख सकते हो, उधर आपको रेडिश भी दिखाई दे रहा होगा। तो इधर क्या है कि जगह जगह पे ना छोटे छोटे से होल बने हैं जहाँ से आज भी थोड़े बहुत इरप्शन होते हैं। जैसे कि आप हिमालयाज में जाते हो या बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में जाते हो, जितना आप ऊंचाई पे जाते हो उतनी ठंड होती है, वैसे ही आप सी लेवल से जितना नीचे जाते हो उतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो ये दुनिया की सबसे लोएस्ट प्लेसेस में से एक है, इस वजह से यहाँ पे ना दुनिया के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को देखा जाता है भाई। गर्मियों में तो भाई ये जगह ना एकदम डेंजरस हो जाएगी। और इथोपिया को ना यार यहाँ पे लैंड ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं क्योंकि ह्यूमन के जो पहले स्केलेटन है लूसी इस अफार रीजन में ही पाए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पे ना ये स्टडी भी हो रही है कि अगर हम लोग मार्स पे जाते हैं तो मार्स पे जिंदगी किस टाइप की लगेगी। ऐसा लग रहा है तेजाब वगैरह यूज नहीं करते तो जैसी स्मेल आती है एकदम एसिडिक, उस टाइप की स्मेल आ रही है भाई। जैसे वोल्केनिक इरप्शन 1926 में हुआ था, मान लो ऐसा ही कोई वोल्केनिक इरप्शन जब लोग यहाँ पे हैं तब हो जाए तब क्या होगा सोचो। ये अलग अलग मिनरल्स है ना कलर अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। बहुत ही गंदी स्मेल है भाई, बहुत ही तेज जो है ना एसिडिक स्मेल है यहाँ पे। ऐसे जैसे चूना होता है ना ये सोडियम की वजह से सफेद कलर प्रोड्यूस हो रखा है इस जगह का। दलोल इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है अमेरिक, उस लैंग्वेज में दलोल का मतलब होता है कलरफुल स्प्रिंग। तो ये पूरा जो कलरफुल एरिया बन गया है ना उस वजह से इसको दलोल कहते हैं ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में। पहले मतलब हजारों साल पहले यहाँ पे पूरा ग्रीन लैंड हुआ करता था और सब कुछ खेती वगैरह सब कुछ होती थी इस पूरे इलाके में अफार डेजर्ट में। लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हुई ना उसकी वजह से
यहाँ का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। और लैंडस्केप चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि अलग अलग तरीके की चीजें बन गई यहाँ पे। जैसे कि आपको एक क्रेटर दिखाई दे रहा है जो एक रेड सी में फ्लड आया था, उसकी वजह से कल जो मैंने आपको लेक दिखाई थी वो सॉल्ट लेक क्रिएट हो गई। तो ये पूरा इलाका ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अफ्रीका और एशिया के बीच की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जाती रही ईयर बाय ईयर। उसकी वजह से जो ये जगह है ना वहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो गया और ये दुनिया की सबसे लोएस्ट जगह बन गई। बहुत ज्यादा अनस्टेबल लैंड है भाई, यहाँ पे कभी भी कहीं भी इरप्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे सामने आप देख सकते हो वहाँ पे धुआं निकल रहा है। हम वहाँ पे पास में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अभी भी इरप्शन चल रहा है भाई। अजीब सा प्लेस है भाई, इसको देख के कहीं से कह सकते हो आप कि आप धरती पे हो, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम धरती पे चल रहे हैं, किसी दूसरे ग्रह पे आके हम लोग चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई। अरे है भाई, ऐसा लग रहा है कि हमें मास्क लेके आना चाहिए था भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो रही है जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना जो अलग अलग तरीके के मिनरल है ना यहाँ चमक से रहेंगे। देखो ये थोड़ा गीला पार्ट है यहाँ पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे मतलब स्मेल करना या ज्यादा रहना भी ना सही नहीं है, बहुत ज्यादा तेज स्मेल है भाई, बहुत ज्यादा तेज स्मेल है यहाँ पे। ये तो पूरा लिक्विड ही है, काफी ज्यादा एसिडिक और काफी खतरनाक है ये भाई। और इससे पूरे इलाके से ना आवाज आ रही है, जैसे नीचे से पानी की आवाज आती है ना, उबलते हुए पानी की, खोलते हुए पानी की। जितनी भी जगह से अभी हम लोग चल के आए हैं वहाँ पे क्रिएटर में अभी जो है ना कोई इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे अभी एक्टिव इरप्शन चल रहे हैं मेरी आंखों के सामने। अर्थ का जो क्रस्ट है ना यहाँ से केवल 5 किलोमीटर डीप है। नॉर्मली जो अर्थ का क्रस्ट होता है ना वो 42 किलोमीटर डीप होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे लोएस्ट प्लेस है। अब क्या होता है कि अर्थ में कुछ लेयर्स होती है, जो सबसे नीचे होती है वो मैग्मा होती है। मैग्मा में जो है ना पानी होता है और पानी जो है ना बहुत तेजी से गर्म हो रहा होता है। मैग्मा के ऊपर क्रस्ट होता है और क्रस्ट के ऊपर अलग अलग तरीके की जो है ना मिनरल्स की लेयर होती है। तो जो पानी गर्म होकर इरप्ट करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो इरप्ट होता है ना तो उससे क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स उसके ऊपर लेयर बनी हुई है वो सबको साथ में लेके ना यहाँ पूरी धरती में फैल जाता है। उसकी वजह से ये अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स है ना कलर क्रिएट करते हैं अपना अलग अलग यूनिक कलर। तो यहाँ पे अगर आप सामने देखो तो यहाँ पे पूरे में आवाज़ आ रही है, यहाँ पे छोटे छोटे इरप्शन चल रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो धुआं भी निकल रहा है अलग अलग तरीके के मिनरल्स की वजह से। तो भाई इस तरीके के होल्स बने हुए हैं, इस तरीके के होल्स के नीचे ना इरप्शन चल रहे होते हैं नॉर्मली। खोलता हुआ पानी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। पानी का जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है भाई। यहाँ पे आप हाथ से कोई चीज़ें टच ना करें, क्योंकि अगर आप टच करेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कैसे क्लियर जो कलर है ना बिल्कुल क्रिएट हो रखा है। एक्टिव इरप्शन आप सामने देखो, कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है इधर। क्या जगह है यार, सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी जगह पे हम लोग इतनी क्लोज आके चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा पानी है। ये पानी भाई टच करने लायक नहीं है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। ये इतना ज्यादा गर्म हो सकता है कि जो आपकी उंगली है ना वो पूरी पिघल के इसके अंदर ही चली जाएगी। यहाँ पे एक और इरप्शन उस जगह पे भी हो रहा है। जहाँ भी आपको इस तरीके का होल दिखाई देगा ना, अलग से ऐसे गोल होल दिखाई देगा जहाँ से एकदम पानी तेजी से नीचे से निकला, एकदम खोलता हुआ पानी, तो इस तरीके के होल से निकलता है यार ये। एक चीज रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स शू वगैरह पहन के बिल्कुल ना आए, स्लीपर्स वगैरह तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हमेशा जो है ना अच्छे क्वालिटी के जो है ना ट्रैकिंग शूज पहन के आओ आप। सी लेवल से 100 मीटर से भी ज़्यादा नीचे हम लोग, और दुनिया की सबसे गर्म प्लेस, व्हाट एक्सपीरियंस। और यहाँ देखो यार, यहाँ हुआ है एक बड़ा इरप्शन। देखो कितना बड़ा होल बना हुआ है, नहीं तो आपको छोटे छोटे जनरली होल दिखाई देंगे यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बड़ा इरप्शन वाला होल है यहाँ पे। ये सेकंड जगह है जहाँ पे इरप्शन हो रखा है, और यहाँ पे आप पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे। देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है लेकिन उतना ही खतरनाक है। पूरा एकदम ग्रीनिश है, ये देखो येलो हिस्सा हो रखा है। पीछे जो है ना अलग अलग कलर के ना फॉर्मेशन क्रिएट हो रखे हैं, जैसे कि वो येलो है फिर ग्रीनिश है। इस एरिया को घूम के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपको मार्स पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर, अगर ह्यूमन काइंड जो है ना मार्स पे जाते हैं। तो यार सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग जो क्रिएटर था दानाकिल क्रिएटर उससे लगभग 20-30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। सॉल्ट डेजर्ट में आप देख सकते हो एकदम फ्राई हो रहे हैं, लगभग 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इस समय पहुंच रखा है यहाँ पे। गाड़ी इन्होंने रोकी है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है बीच में, उसमें लोग आराम से पैर रखे हुए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो ये पूरा सॉल्ट का डेजर्ट है और यहाँ पे इस तरीके से रॉक बना हुआ है। सैकड़ों सालों से जो हवा चल रही है ना, जो यहाँ की मड है, जो यहाँ का जो नमक है, ये पूरा सारा लेक है जमा होता चला गया। एक माउंटेन टाइप का बना हुआ है आप देख सकते हो। एंड दिस इज आवर फ्रेंड एंड ब्रदर सोलोमन। नमस्ते। यस यस, हाउ आर यू फीलिंग सोलोमन? Good. How many times you have been here? Almost for the last 8 years. 50 times, 80 times? Before COVID, minimum of like twice a week. Twice a week you used to come here? COVID, yeah. Wow. After COVID, nowadays we are doing this like once or twice. Yeah. So COVID impacted a lot. Yes. जहाँ हम लोग कल रात को रुके हुए थे कैंप साइट पे, ये भाई साहब वहीं रहते हैं। सलाम।
और इनके पास आप देख सकते हो ये गन वगैरह है, ये रशियन क्लाशनिकोव वगैरह लेके चलते हैं भाई। ये लोकल बंदे हैं यहाँ के और ये ना इस तरीके से लुंगी वगैरह पहनते हैं अफार रीजन में, मैंने कल भी दिखाया था। तो यहाँ की ड्रेसिंग सेंस कुछ इस टाइप की होती है और इस लुंगी के ऊपर भी ये लोग बेल्ट पहनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस इलाका है और उसके अलावा जो रस्ते है ना वो बहुत ऐसे है कि कहीं डेजर्ट है कहीं कुछ है, कोई फिक्स रास्ता नहीं है। उस चक्कर में क्या है कि जो रस्ते दिखाने के लिए कहीं कुछ भूल जाए कुछ परेशानी हो जाए उसके लिए ये गार्ड जो है ना ट्रिप में हमारे साथ चलता है भाई। दलौल और दानाकिल डिप्रेशन के आसपास हम लोग सी लेवल से लगभग 100 मीटर नीचे थे, अभी हम लोग जो है ना एकदम सी के लेवल पे आ चुके हैं। ये जो रोड दिखाई दे रही है ना आपको इस समय, ये रोड की जो पोजीशन है यहाँ पे हम सी लेवल के बिल्कुल बराबर में है, मतलब ऑलमोस्ट सी लेवल पे है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना ये भाई कोई नॉर्मल सा पहाड़ नहीं है, क्योंकि आपको ये जो रॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना ये कोरल रॉक्स हैं। ये सारे वो रॉक हैं भाई जो 40,000 साल पहले यहाँ पे जब फ्लड आया था रेड सी की वजह से, जिसकी वजह से जो पूरा सॉल्ट का जो है लेक क्रिएट हुई है यहाँ पे, वो उसी समय के ये कोरल रॉक्स हैं जो यहाँ पे जमा है। लगभग 40,000 से 50,000 साल से इस तरीके से भाई ये कोरल रॉक जमा है यहाँ पे। आप सोचो एक ऐसी चीज़ का एविडेंस है भाई जो आज से 40,000 साल पहले हुई थी। मतलब यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना भाई दानाकिल डिप्रेशन में कि आप भी एक बार को सरप्राइज हो जाते हो कि यार इससे ज़्यादा क्या यूनिक देखने को मिलेगा। नॉर्मली भाई इस तरीके के रॉक्स आपको समुद्र के आसपास मिलते हैं, इथोपिया के अंदर भाई सी है ही नहीं, ये एकदम लैंडलॉक्ड कंट्री है। और यहाँ पे आपको कोरल रॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि 40,000 साल पहले की बाढ़ है उसके चक्कर में यहाँ पे जमा है। यहाँ से अगर आप जाओगे तो सी लेवल के ऊपर जाओगे और रोड के अगर इस साइड आप जाओगे तो सी लेवल के नीचे जाओगे। कल हमने दलौल का क्रिएटर जो है एक्सप्लोर किया था कल रात को, उसके बाद हम लोग एक जगह पहुंचे थे जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अर्थाले कहते हैं। अर्थाले का मतलब होता है स्मोकी माउंटेन्स। इसको स्मोकी माउंटेन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं कुछ कुछ समय में। ये जो है एक लाइव वोल्केनो है जिसमें से स्मोक निकल रहा है अभी, उसके बीच में जो एक माउंटेन है अभी थोड़ी सी रोशनी आ गई है और इस चक्कर में अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट उसमें से भी स्मोक निकल रहा है और उसमें से भी जो है ना आग जल रही है। और यहाँ पे जो पहला इरप्शन हुआ था ना वो 1860s में हुआ था। 1860s के बाद यहाँ पे हर 20-30 साल में एक नया एक इरप्शन होता रहता है। बड़े इरप्शन की बात कर रहा हूँ, छोटे इरप्शन तो हो सकता है हर 2-3 साल में हुए थोड़े बहुत और हो के ना वो अपने आप बुझ जाते हैं। कल रात को ये बहुत ज्यादा लाइट कर रहा था, बहुत ज्यादा जल रहा था कल रात को जब हम पहुंचे थे। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यार रात को ना ये मेरा कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता, लेकिन अभी सुबह मैं देख रहा हूँ कि जो ये रात को जल रहे थे तो ये भी काफी बुझ चुके हैं। कोई ना कोई बड़ा इरप्शन हुआ था। अभी भी ये देख सकते हो आप लावा है, ये पुराना लावा है जो इरप्शन के बाद बचा हुआ है। तो जितना ये फ्रेजाइल होता है ना जैसे आसानी से टूट जाए तो इसका मतलब होता है कि वो लावा जो है ना नया है, और अगर जो थोड़ा हार्ड होता है और लाइट कलर का होता है तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत पुराना है। इस पूरे एरिया में तो लावा ही लावा आपको दिखाई देगा। पैर मारने पे इतने आसानी से देखो ये हट रहा है ना, नया इरप्शन है ये। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट जो बड़ा इरप्शन हुआ था ना वो हुआ था 2017 में, 6 साल हुए हैं उसको। अब मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था जो ऐसे इरप्शन हर जगह माउंटेन में होते रहते हैं तो पता कैसे लगता है कि भाई इस माउंटेन में इरप्शन होने वाला है। यहाँ पे जो लोकल लोग कहते हैं कि जहां भी इरप्शन होने वाला होता है वहां पे धीरे धीरे हल्का हल्का स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे जैसे इरप्शन के क्लोज आएगा वो उतना ज्यादा बढ़ने लगता है उसकी इंटेंसिटी। और ऊपर से जो धुआं है ना भाई वो बहुत ही टॉक्सिक धुआं होता है इसका लावा का, सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। खांसते खांसते कल रात को परेशान हुए थे हम लोग। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो लावा है ना ये लावा वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे लोग, सॉइल में फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं क्योंकि इस पूरे लावा में अमोनियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यार देखो ये माउंटेन चढ़ के है ना हम ऊपर गए, उधर आपको जो माउंटेन दिख रहा है उसके पीछे है अल्थाले। अल्थाले मतलब जहाँ पे जितने भी हट्टे वॉल्केनोज है वो हैं। और अब हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे भाई आपको जितने भी इस टाइप के घर दिखाई दे रहे हैं ना ये बड़े बड़े पत्थरों से बना रखे हैं ना, ये सारे यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं भाई। यहाँ के जो लोग हैं ना फार लोग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये ना किचन है, यहाँ पे खाना वाना बन रहा था भाई रात को जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ना। इधर देखो अंडे वगैरह रखे हुए हैं, पीछे तरबूज वगैरह काट के इन्होंने दिया था नाश्ते में। ये देखो मतलब केवल टूरिस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे किचन सेटअप कर रखा है। Hi, hello, how are you? Good. It's okay? All okay. How was the visit? Very nice. Nice. I like it. Yes, I like it. Good. Thank you so much.
अब हम यहाँ पे एक अफार विलेज में आए हैं, तो अभी यहाँ पे ना हम लोग ये देखेंगे कि अफार लोग किस तरीके से रहते हैं। हमारे आते ही ये देखो ये बच्चा आने लगा, हेलो हाउ यू। ये सारे इधर विलेज के बच्चे हैं ये जो आसपास रहते हैं, ये सारे यहाँ पे आ गए। ये देखो अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये देखो अफार लोगों के बच्चों के बाल होते हैं ना वो ज़्यादातर इसी टाइप के होते हैं। ये देखो लड़के के बाल, हेलो। इनके गाँव में जाके देखेंगे कि इनके घर कैसे होते हैं और किस तरीके से ये लोग ना अफार डेजर्ट में इतने हॉस्टाइल एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। जिस वेदर में ये लोग रहते हैं इस वेदर में नॉर्मल ह्यूमन का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये लोग जो है ना सदियों से पीढ़ियों से यहाँ पे रहते हैं। देखो इतनी सुंदर बकरी आपने देखी है कभी? बकरी का बच्चा है ये, देखो व्हाइट और ब्लैक, बहुत सुंदर लग रही है यार बकरी है। और यहाँ पे जो मेन रिलीजन ये लोग फॉलो करते हैं ना अफार लोग, ये मुस्लिम्स हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों से भी घर बना लेते हैं, और पता नहीं यार ये घर देख के ऐसा लगता है कि अगर एक भी पत्थर गिरा तो ये जो अंदर कोई इंसान होगा कि उसको कितना नुकसान हो सकता है, बट समहाउ ये चीजें टिकी रहती हैं। और इसमें कोई सीमेंट वीमेंट नहीं है, सब एक के ऊपर एक लगा के ऐसे बना दिया गया है। तो ये जो है ना इनकी हड्डियाँ अलग तरीके से बनी हुई है, ये पूरी जैसे मैट होती है ना मैट टाइप की बनी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हम अफार हाउस में एक आ गए हैं अंदर, जो हमारे सुलेमान भाई हैं वो अभी बताएंगे यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पे आप चूल्हा देख सकते हो, जहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी रस्सियों से ना बांध बूंद के इन्होंने छत बनाई हुई है इसकी। यहाँ पे आप टी पॉट देख सकते हो बना हुआ है, और बाकी बर्तन खाने पीने के पड़े हुए हैं। जैसे आपने इथोपिया में ज्यादातर घर देखा हुआ है ना तो इसी टाइप के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से घर होते हैं। Yeah, so they cooked also in here, mainly the women's breakfast was porridge today. But normally the Afar people are nomadic people, right? Because we are living in a city and still we are not happy. And how about like in summers when the temperature is too high, how do they survive here? Is there any different kind of lifestyle they follow in summers or something like that? It's always the same for them. Some, of course, they suffer a lot when the temperature is like higher because of the need, the water will be high and they need to walk a lot. और इन समटाइम्स दे मूव। ये चीज़ इथोपिया में मैंने काफ़ी नोटिस करी है कि यहाँ पे जितने भी घर होते हैं ना सबकी जो है ना गेट्स बहुत छोटे होते हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि इनका गेट कितना छोटा है। और ये पूरा ना इन्होंने पूरी ऊपर से चटाई बना रखी है, ये पूरी मैट बना के ये बिछा रखी है इनकी छत के रूप में। जैसे साउदर्न पार्ट में हमने इथोपिया में देखा था जिनका वगैरह में, वहाँ पे वुमेन वगैरह ना हाउस बनाती हैं, यहाँ भी औरतों का ही काम होता है घर को बनाने का। अब हम दूसरे इनके हट में जा रहे हैं, जो कि ये देखो ये अलग तरीके से बना हुआ था और ये अलग तरीके से बना हुआ है, ये डंडियों से बना हुआ है, तो इसके अंदर जाके हम लोग देखेंगे। सलाम। ये इनकी फैमिली का मेन लिविंग रूम है, जो हमने आपको पहले दिखाया था ना उसमें किचन और बेड दोनों थे। हेलो। मेन इनका बेडरूम टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है ना 12-13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, तो क्या होता है कि बच्चे तो जिंदा रह जाते हैं और काफी लड़कियों की ना मौत हो जाती है भाई बर्थ देते समय। तो यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो ट्रेडिशन है इसको स्टॉप किया जाए, लेकिन यहाँ के लोग जो ना ये मानते हैं कि इस तरीके से हमारी जिंदगी में दखल है, तो इस वजह से ये लोग जो है ना थोड़ा सा अपोज करते हैं इस चीज़। हालांकि गवर्नमेंट जो इनको काफी सपोर्ट करती है, एड वगैरह प्रोवाइड करती है, उससे इन लोगों का जो है ना काम चलता है। आजकल मेनली जो है ना टूरिज्म से जो है हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ फीस ये लोग लेंगे और उस फीस से इनका जो है ना महीने का खर्चा चलता है मेनली। ऊपर इनकी जो छत है ये सारी बल्लियों से बनी हुई है, इस तरीके की रोप्स जो है ना इनसे इन्होंने इस पूरे घर को बांधा हुआ है। तो यहाँ के जो भाई मेनली जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं सब वुमेन ही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जो मैन है ना मेनली ज़्यादातर यहाँ पे खच्चे बाते हैं और जाके सॉल्ट माइनिंग वगैरह करते हैं, टूरिज्म में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं जैसे कंपनीज को ना एज ए लोकल गाइड वाइड के रूप में। पास में ही एक ग्राउंड वाटर सोर्स है, वहाँ से ये लोग पानी वगैरह लेके आते हैं इस तरीके के कैंस में। घर के कोने में ही ना सारा सामान पड़ा होता है, लाइक इनके बैग वगैरह है, चटाइयाँ हैं जिनमें ये लोग सोते हैं, तो दिन रात को बिछाते हैं आराम से सोते हैं और उसके बाद वापस उसको यहाँ पे सुबह सुबह रख देते हैं, तो पूरा बेड जो है ना खाली कर देते हैं। बस ये देखो अभी भी कुछ चटाइयाँ बिछी हुई हैं इसमें, मतलब अभी टूरिस्ट वगैरह आए हुए तो उनके लिए, बाकी ये चटाइयाँ हट जाती हैं रात को। जो ये घर बनाते हैं इनकी दीवारों में ना थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, ताकि जो गर्मियाँ होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे गर्म जगह है, तो इस वजह से क्या करते हैं कि इस तरीके से गैप्स बनाते हैं जिससे कि ना थोड़ी हवा फ्लो होती रहे, हवा से ये पूरी जगह है ना ठंडी सी रहती है। भाई ये पूरा विलेज है आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये मेन लैंग्वेज बोलते हैं ना अफारिक लोग, इनकी अपनी लैंग्वेज है अफार। ये ओपन किचन टाइप का जहाँ पे लोग सोते भी हैं, और इधर इन्होंने अपनी कैटल वगैरह बांध रखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने छोटा सा बछड़ा भी बांध
बंदा हुआ है। और यहाँ पे एक और बेडरूम है इस तरीके से आप देख सकते हो, बड़ा ही यूनिक स्टाइल है इनका। नॉर्मली जो अफार लोग होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, वो लोग मूव करते हैं समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, बट ये जो विलेज है ये लोग मूव नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इन्हें पानी का जो सोर्स है ना बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह होती है एक रिवर से, उससे पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है अगर बारिश होती है वहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे वेल्स वगैरह ग्राउंड वाटर का अच्छा सोर्स है, तो उससे क्या लोग ये लोग ना आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। और ना अफार लोगों के साथ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप देखोगे कि इनकी लुंगी वगैरह होती है और इनके साथ ना ये डंडा बना हुआ होता है। ये देखो ये डंडा जो है ना ये इस तरीके से रख के दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रख के ये लोग चलते हैं डंडे में। तो ये एक तरीके से जब भी आपको इथोपिया में इस तरीके के लोग दिखाई दें डंडे के साथ चलते हुए तो ये अफार लोगों की पहचान होती है। हेलो हाउ आर यू, गुड 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 गुड, कैमरा, यस कैमरा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आदमी जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कितनी भी शादियाँ कर सकता है। एक शादी करने के लिए एक बंदे के पास कम से कम 5 कैमल होना चाहिए। वो 5 कैमल जो है ना वो लड़की के बाप को देगा, तब जाके वो शादी के लिए ना इसको अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनकी 3-3, 4-4 वाइफ्स हैं, ये छोटे छोटे से घर बनाए हुए होते हैं, इसमें ये बकरी वगैरह कभी कभी रख देते हैं, बकरी चिकन ये सब। कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, दूर दूर तक केवल काले से पत्थर दिखाई दे रहे हैं, काला काला लैंड है, इसमें कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ मैंने आपको बताया टूरिज्म और कैटल्स पे डिपेंड करता है, उसी से ये लोग खाना खा सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करती है। तो यार ये था दानाकली डिप्रेशन, दुनिया की सबसे खतरनाक और रिमोटेस्ट जगहों में से एक। तो उम्मीद है यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है और बेल आइकन को वेट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।